गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन कंप्लीट किया था, है ना। रिलेशन कंप्लीट कर दिया था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस क्लास में डिफाइन की थी, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था हमने, जो जेईई मेंस में आया हुआ था फरवरी अटेम्प्ट 2020। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट फंक्शन। अब हमें फंक्शन स्टार्ट और रिलेशन पर वर्कशीट 2 दी थी, 12 क्वेश्चंस थे उसमें और मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिया। अगर उसमें कोई डाउट होंगे तो हम डिस्कस करें, है ना। एट फर्स्ट हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम फंक्शन। देखें फंक्शन क्या, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। रिलेशन का ही एक काइंड है, फंक्शन इज अ यूनिक रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। तो हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, यूनिक रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यूनिक रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन। हर हम फंक्शन को इन जनरल y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। रीड क्या करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, है ना। जैसे हम बात करें एरिया ऑफ अ स्फीयर, एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4πr2। तो अगर हम r को x से रिप्लेस कर दें, r को x से रिप्लेस कर दें और a को y से रिप्लेस, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ स्फीयर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस, एरिया ऑफ अ स्फीयर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस, एफ एक्स और 4π r के प्लेस पे क्या कर दें। समझ में आया क्या, एरिया का a जो लेटर एरिया को डिनोट करता है उसको y से रिप्लेस किया। यस, फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस स्टार्टिंग फंक्शन से होता है, और रेडियस को एक्स से डिनोट करके, तो एरिया ऑफ अ स्फीयर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस, ओके। तो इसमें ये जो एक्स है, दो वेरिएबल होते हैं वाई और एक्स, एक्स अगर हम जितनी वैल्यू एक्स की है सब्सटीट्यूट करते जाएंगे उसके करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आती जाएगी। एक्स 1 से सब्सटीट्यूट करना है उसके करेस्पॉन्डिंग वाई है, तो मन से जो सब्सटीट्यूट करना है डिफाइंड, कोई भी डिफाइंड वैल्यू मन से सब्सटीट्यूट करना है उसको क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंट वैल्यू। एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वैल्यू, वाई को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। X is independent variable and y is dependent variable. Okay? ये जो y है, इसमें y is a subset of R होना चाहिए। हम x की जो भी वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करते जाएंगे उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती जाएगी, तो और y क्या आना चाहिए, जो भी y की वैल्यू आए वो सबसेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स में लाई करना चाहिए। क्यों लाई करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स में, जो हम फंक्शन पढ़ते हैं हमारे जो 12th स्टैंडर्ड में जो फंक्शन है कैलकुलस में, वो एक्चुअली उसका कंप्लीट नेम रियल वैल्यूड फंक्शन, नॉट ओनली फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट। समझ में आया क्या, अगर हम x की वैल्यू जो fx है y इक्वल टू fx में
अगर x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाएं, अगर मैंने x की वैल्यू ये रखी तो उस पर जो y की वैल्यू निकालो गया, अगर f और x इक्वल टू a, y विल बी एफ बी, सो एफ बी इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन, f वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल टू a. समझ आया क्या? हम x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू, जैसे वेरी इजी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक फंक्शन, मैं बोलूं कि फंक्शन की वैल्यू टू पर फाइंड कर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू टू, ऐसा भी लिख सकते हैं. एफ टू क्या आ जाएगा? टू स्क्वायर माइनस वन, फोर माइनस वन. ओके, समझ में आया क्या? यहां तक सभी को समझ में आ गया है? F A would be there, yes. ना for x equal to it, yes, change. यहाँ पर B लिख देता मैं, तो ठीक. ये B है, तो यहाँ पर B कर. Okay? अब ठीक है. X equal to B पर function की value y equals to it. B is called value of function f at x equal to. ठीक है. अगर मैंने x की वैल्यू b सब्स्टिट्यूट की तो y इक्वल टू क्या गया? fb. सो fb इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल टू b. ओके, ठीक है. यहां बाय मिस्टेक मैंने b लिख दिया, तो फिर मैंने सभी जगह b चेंज कर दिया. x इक्वल टू b तो y इक्वल्स टू fb, तो fb इज कॉल्ड value of function f at x equal to, तो function की value कैसे निकालते हैं? किसी point पर substitute. Okay, check. ठीक है, अब हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं. लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. लेट ए एंड बी बी टू non-empty sets, then ठीक है, a और b क्या दो non-empty set लिख दिए हमने. every element of set A, every element of set A is related to by a rule f. If every element of set A is related by a rule f to a unique element of set B, then देखें ध्यान से हमने क्या लिया. A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है. सेट A का एवरी एलिमेंट रूल F से एक यूनिक एलिमेंट, सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड बाय रूल F. रूल F में सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, देन F इज कॉल्ड
फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन रूल एफ इज कॉल्ड फंक्शन, और इसी फंक्शन के लिए एक और वर्ड है मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू, देन रूल एफ इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू, राइट। समझ में आया क्या तक? और कैसे डिनोट करते हैं? एफ ए इंटू, एफ ए इंटू बी, रीड क्या करते हैं? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ ए इंटू बी भी रीड कर, रूल एफ फंक्शन, रूल एफ इज अ फंक्शन, वो रूल डिफाइन करेंगे, डिफाइंड बाय, वो रूल कुछ भी हो सकता है, y equals to fx, y equals to fx, तो ये जो f है उसी को रूल बोला, रूल f मतलब फंक्शन, ठीक है। कैसे रीड करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? f a into b defined by y equals to, जैसे एक एग्जांपल बता, f सेट ऑफ रियल नंबर से, आर प्लस का मतलब, आर प्लस का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल, सेट ए की जगह आर लिया, सेट बी की जगह आर, डिफाइंड बाय वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, या एफ ना भी लिखे वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, ये रूल हो गया। समझ में आएगा? सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए बाय रूल एफ, देन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए, इस तरह से डिफाइन। ये एक एग्जांपल बताया, ये रूल ये हो गया वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। चल अब हम देखते हैं मीनिंग, देखते हैं इसका हम कि कैसे यूनिक यूनिक एलिमेंट का क्या, ठीक है। पहले यहां देखें फिर हम आगे बताते हैं। ये सेट ए से सेट बी पर, ये तो एग्जांपल बताया मैंने, ये सेट ए सेट बी, ए बी सी थ्री एलिमेंट है और ये रूल डिफाइंड है इस पी क्यू, ए बी पी से रिलेटेड है, बी क्यू से और सी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, है ना। ये एक केस हो गया। दूसरा केस लिखता हूं, ए बी सी पी क्यू, थर्ड केस ए बी सी पी U, R, S, एक और केस लिख देता हूं, A, A, B, C, ये रूल F P Q R S, हाँ इसमें से हमें बताना है, फोर केसेस दिख रहे हैं सभी को, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस, कौन कौन से रूल फंक्शन है और कौन कौन से रूल फंक्शन नहीं। हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं थर्ड वाला होगा, बिल्कुल थर्ड वाला होगा, फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट बी, फर्स्ट फंक्शन है हर एक एलिमेंट, सेकंड फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? सेकंड फंक्शन सी के करेस्पॉन्डिंग, सी फर्स्ट सेट ए का एलिमेंट सी किसी से रिलेटेड नहीं है बाय रूल एफ, और
डेफिनेशन में है, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट। ओके, थर्ड विल बी योर फंक्शन। ए और बी, ए की वैल्यू भी पी है और बी की, तो यहां एक एलिमेंट ए के करेस्पॉन्डिंग भी सेकंड सेट में यूनिक एलिमेंट पी, और बी के करेस्पॉन्डिंग भी यूनिक एलिमेंट, मतलब सेट ए की एक वैल्यू पर फंक्शन की दो दो वैल्यू नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, यूनिक नहीं है ना। और अगर ए और बी दोनों के करेस्पॉन्डिंग सेकेंड सेट बी में एक ही वैल्यू है तब भी वो यूनिक वैल्यू है, ए के लिए भी टी और बी के, राइट। तो फर्स्ट सेट में के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए एक सेम वैल्यू सेकेंड सेट में हो सकती, क्लियर। फोर्थ फंक्शन नहीं है, फोर्थ फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन, बी के करेस्पॉन्डिंग क्यू बी वैल्यू है और बी के करेस्पॉन्डिंग आर, ठीक है। सेकेंड सेट में अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उससे कोई प्रॉब्लम, समझ में आया कि सभी को, समझ में आया क्या फंक्शन, सभी को समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। हाँ, थर्ड वाले के लिए ध्यान से देखो, ए के करेक्ट मैं बोलूं ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या, आप बोलेंगे पी, यूनिक वैल्यू, दो दो वैल्यू तो नहीं आ रही कि ए की वैल्यू पी भी है और क्यू भी है, नहीं, पी की वैल्यू क्या है वो भी यूनिक है पी, सो इट इज अ फंक्शन। फोर्थ में बी की वैल्यू बोली जाए तो बी की दो दो वैल्यू आ रही है, एक एक्स की एक वैल्यू पर वाई की दो वैल्यू आ रही, फंक्शन की दो वैल्यू आ रही, इसलिए ये फंक्शन नहीं। समझ में आ गई क्या, हाँ बिल्कुल, x की एक वैल्यू के, यही यूनिक का मतलब यही है, x की हर एक वैल्यू के लिए y की, x की हर एक वैल्यू के लिए y यूनिक, समझ में आया क्या, अभी हम पहले इस पे बात करें फिर डिस्कस करते हैं, ये समझ में आ गया क्या सभी को, कंप्लीट हो गया ये। अब इसमें इमेज और प्री इमेज और देख, अगर सेट फर्स्ट सेट ए के में ए के करेस्पॉन्डिंग पी है तो आप क्या लिखोगे इसको, ए पी बिलोंग्स टू एफ, ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट सेट का एलिमेंट ए, सेकेंड सेट का एलिमेंट पी, ए पी बिलोंग्स टू एफ, या आप ये भी लिख सकते हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए इक्वल टू पी, ये भी लिख सकते हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए इक्वल टू पी, ठीक है। सो पी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ, पी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ, अंडर फंक्शन एफ, समझ में आया क्या, पी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन, क्लियर। और ए को क्या बोलेंगे, ए को पी की प्री इमेज, ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ पी अंडर फंक्शन, एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ अंडर फंक्शन, समझ में आ गया क्या सभी को, एंड पी क्या है, ए की इमेज है, ए क्या है, पी की प्री इमेज अंडर द फंक्शन, बी की इमेज क्या है, क्यू, और बी क्यू की प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज समझ में आ गया कि सभी को, समझ
फंक्शन एफ के करेस्पोंडेंस है, ए के करेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है पी, जो भी एलिमेंट रूल एफ के में, रूल एफ में फर्स्ट सेट ए, फर्स्ट सेट कैपिटल ए के एलिमेंट के करेस्पोंडिंग दूसरे सेट में जो एलिमेंट होगा उसको हम इमेज बोलते हैं। रिलेशन में भी बोलते हैं, रिलेशन में भी इमेज। सेम केस अगर ए के करेस्पोंडिंग बी है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, देन पी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। इमेज है ना, ए के करेस्पोंडिंग वैल्यू जो है उसको इमेज, फर्स्ट सेट ए के कि किसी एलिमेंट के करेस्पोंडिंग सेकंड सेट में जो वैल्यू होगी उसको इमेज। क्यों? क्योंकि अगर एक देखो इमेज ही तो है, अगर फंक्शन एफ में मैं ए को देखूंगा तो फंक्शन मिरर का काम करेगा तो उसकी इमेज क्या मिलेगी। समझ में आया क्या? फंक्शन एफ अगर मिरर है तो ए की इमेज क्या होगी इस मिरर में। ओके चलिए, समझ में आया कि यहां तक दोनों डेफिनेशन समझ में आई, फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड। है ना, पहले हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी थी y equal to fx डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स। हाँ, अभी हमने लिखा कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, या ये भी बोल सकते हैं हम फंक्शन इज अ यूनिक रिलेशन, है ना। तो अगर हम रिलेशन क्या होता है, रिलेशन याद है सभी को, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, तो फंक्शन भी क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन जितने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, ठीक है, अगर रिलेशन सेट ए से सेट बी पर डिफाइन होता है तो कितने रिलेशन डिफाइन होते हैं, सेट ए में अगर एम एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट, then number of relations defined from set A to B क्या आएंगे, 2 to the power m into n। याद है हमने last class में किया है, second last class में। Okay, number of relations, ये जितने भी relation ये सारे के सारे function, इनमें से कुछ function होंगे तो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो हम function की next definition लिख रहे हैं, function as a set of ordered pair, function as a set of ordered pair, function is a set of ordered pair, ठीक है। जैसे कि अगर सेट ए में टू एलिमेंट हैं, सेट बी में मैं एक ही एलिमेंट लेता हूं, सेट ए में टू एलिमेंट्स हैं, सेट बी में एक ही एलिमेंट, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, how many relations can be defined from set A? फिर सोच के बोले A cross B में कितने एलिमेंट हो, A cross B में कितने एलिमेंट हो, 2, और A cross B के कितने सबसेट हो, A cross B 2 square that is 4 and every subset is a relation, every subset is a relation. तो कितने subsets आएंगे A cross B के? सबसे पहले मैं A cross B लिख देता हूँ, AP और BP, right? अब A cross B के subsets, एक है ना, ये relation है, दूसरा AP, third R3, BP और फोर्थ AP और BP।
राइट, ये फोर क्या है रिलेशन, इनमें से कौन कौन से फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट की, एवरी एलिमेंट, देखें ध्यान से एवरी एलिमेंट, तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, इसमें एलिमेंट ए आ रहा है फर्स्ट सेट का, एलिमेंट बी नहीं, इसमें बी है तो ए नहीं, इसमें ए और बी तो केवल आर फोर इज अ फंक्शन, ये फंक्शन, बाकी सब रिलेशन है, all four are relation and fourth relation is a function, so we can say that every relation is not a function but every function is a relation, theek hai kya, jitne bhi relation honge wo sare function hai, to function ke liye kya definition hai, f a into, ye definition, to agar hum isko as a set of ordered pair likhe, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अगर फंक्शन को लिखते हो तो ए फर्स्ट सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी सेकंड सेट, ठीक है, तो बिल्कुल रिलेशन की तरह, लेकिन इसको हम फंक्शन का बोल पाएंगे, लिखता हूं सेट ऑफ अ रिलेशन, a relation f from set a to b is called a function, it's called a function if every element of set a has वन एंड ओनली वन, उसको यूनिट भी बोल सकते, हैज वन एंड ओनली वन, उसी को वन एंड ओनली वन की प्लेस पर आप क्या बोल रहे हैं, वर्ड यूनिट इमेज इन सेकेंड सेट बी, समझ में आया क्या क्या लिखा है, अ रिलेशन एफ from set A to B is called a function if every element of set A has one and only one, उसी को हम unique बोल रहे हैं, unique image in second set B, बात समझ में आ गई क्या, ये हमने set A से B पर four relations define किए, उनमें all four में केवल एक ही function, रीजन क्या है, इसमें फर्स्ट सेट के दोनों एलिमेंट और यूनिक होना चाहिए, कंप्लीट, क्लियर भी हो गया, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, आप बताइए, सेट ए बी सी, सेट बी पी क्यू, सेट ए बी सी, सेट बी लिया मैंने पी, बताना कौन कौन से फंक्शन, ए पी ए क्यू R2, AB, BQ, CP, R3, AQ, BP, C,
आर फोर ए क्यू बी क्यू एंड बी पी बताए R1 एंड R4 फंक्शन है, कोई बोल रहा है 2 एंड 3 फंक्शन है। देखो सबसे पहली चीज ये फंक्शन नहीं, देखो आप ध्यान से देखो, इन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक ही इमेज भी टी है और एक ही इमेज क्यू भी है, तो एक ही वैल्यू दो दो है, टी भी वैल्यू है क्यू भी, इट इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आया क्या? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। टू इज अ फंक्शन, ए पी ए पी बी क्यू सी, इट इज अ फंक्शन। बिल्कुल, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो और फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए इज एन एलिमेंट, इज अ फर्स्ट एलिमेंट, इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है ए क्यू बी पी, ये भी फंक्शन है ए क्यू, ये फंक्शन नहीं। हाँ फर्स्ट भी फंक्शन नहीं है, फोर क्यों नहीं है फंक्शन, इसलिए नहीं है कि बी की इमेज भी पी भी है और बी की इमेज क्यू भी है, इन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एवरी एलिमेंट फर्स्ट सेट का, एवरी एलिमेंट किसी न किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, दो कंडीशन। ओके क्लियर, फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया हमने। अब हम कोई भी रिलेशन उसका ग्राफ बना सकते हैं, अगर हम किसी भी रिलेशन का ग्राफ कैसे बनाना है, x की वैल्यू x एक्सिस पर पॉइंट ले लो, x की वैल्यू और y की वैल्यू को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में और फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अगर किसी, आप क्या बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, थ्री एलिमेंट तो थ्री ऑर्डर्ड पेयर कितने भी हो सकते हैं, ऑर्डर्ड थ्री एलिमेंट है तो थ्री ऑर्डर्ड पेयर लिखें, ऐसा कोई जरूरी है ना। कितने रिलेशंस कितने डिफाइन होते हैं, फर्स्ट सेट ए में थ्री एलिमेंट है, सेकंड सेट बी में टू एलिमेंट, कितने रिलेशंस डिफाइन होते हैं, टू टू द पावर सिक्स, 64, उसमें से कुछ फंक्शंस होते है ना, वो तो थ्री एलिमेंट बाय है ना, वो तो थ्री थ्री एलिमेंट्स की लिखे मैंने एग्जांपल, ऐसा कोई जरूरी नहीं, टू एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, फोर के भी हो सकते हैं। फंक्शन की बात करें, अब हम अभी मैं ग्राफ की बात कर रहा था, फंक्शन में हर रिलेशन एवरी रिलेशन का ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो है ना। कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स और वाई वैल्यू को ऑर्डर्ड पेयर पे एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट ले लो और ज्वाइन करो, तो हम उन ग्राफ्स में रिलेशन, सभी रिलेशंस के जो ग्राफ बनेंगे उन ग्राफ्स में को देखकर हमें बताना है कि उसमें से कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकल टेस्ट फॉर इच, ग्राफिकल टेस्ट फॉर इच, ठीक है। समझ में आया क्या, हमें फंक्शन के लिए ग्राफिकल टेस्ट, आपको ग्राफ बना हुआ देंगे उसमें आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं। लिखें अपन, इफ
graph of a relation is given. If graph of a relation is given, then any line parallel to y-axis intersect the graph at exactly one point then relation is a function. देखेंगे ध्यान से, इफ ग्राफ ऑफ अ रिलेशन इज गिवन देन एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट एग्जैक्टली वन पॉइंट देन रिलेशन इज अ फंक्शन. देखेंगे ध्यान से, x-axis, y-axis, first case, second case, third case. Fourth case. ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बना दिए. Fifth case. Sixth case. ऐसा ग्राफ. तो आज मैं और भी केस बनाता हूं. मैं एक दो सेवेंथ केस एट्थ केस बता सकते हैं आसानी से. वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ में कहीं भी ड्रॉ करो. अब आप ऐसा नहीं करना कि ग्राफ यहां तक है आप यहां खींच के यहां ड्रॉ करो. अरे ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है. वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन ने एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब यह हुआ कि ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है. x की एक वैल्यू पर ये f x, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? जैसे अगर x की वैल्यू a ले लो, उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू b मिले, तो आप ये पॉइंट क्या बोलोगे? a कॉमा b. तो x की एक वैल्यू पर y की भी एक यूनिक वैल्यू, सो इट इज अ फंक्शन. समझ में आया क्या? फर्स्ट इज अ फंक्शन. हाँ, सेकेंड फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि x की एक वैल्यू पर y की दो दो वैल्यू आ रही है. ये y को रिप्रेजेंट करता है y equal to fx. x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू भी. ये x की वैल्यू है इस पॉइंट पर और उसके करेस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू. सो इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट? इट इज आल्सो नॉट अ फंक्शन, ठीक है. जैसे अगर आप यहां पर x की वैल्यू a रखते हो, तो यहां पर x की वैल्यू a पर y की वैल्यू मान लेते हैं ये p है, और यहां पर y की वैल्यू क्या मान लेते हैं q है. तो x की एक वैल्यू पर फंक्शन की दो दो वैल्यू आएगी, मतलब रिलेशन की तो रिलेशन तो होगा पर फंक्शन नहीं है. आया इट इज नॉट अ फंक्शन. हाँ, ये बताए फोर्थ
इट इज अ फंक्शन। फिफ्थ बताएंगे, फिफ्थ बताएं श्रेया, आपने प्रणव ने सही बताया है, फंक्शन नहीं, इज अ फंक्शन। एस सोनी, और फंक्शन क्यों है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये देखो अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन स्पीड, तो उस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट पे मिल गए, उस इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट, नॉट अ फंक्शन। ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इट इज अ फंक्शन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन। केवल फंक्शन कौन सा नहीं है, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये तीनों फंक्शन, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये तीनों फंक्शन नहीं है, बाकी सारे ग्राफ फंक्शन। कंप्लीट, ठीक है, राइट, समझ में आ गया क्या? अब डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, हमने फंक्शन की वो कितने तरह से लिखा है, भी फोर में। सबसे पहले तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में फंक्शन को डिफाइन किया है ना, यूनिक रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, सेकंड मैपिंग फॉर्म में f a into b, थर्ड सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म में, और फोर्थ ग्राफिकल। तो हम चारों केस में डोमेन और रेंज की बात करते हैं, डोमेन, रेंज एंड कोड। सबसे पहले हम y equals to fx इस फॉर्म में अगर फंक्शन दिया, y equal to fx और सेट a सेट b कुछ भी डिफाइन नहीं, y equal to fx, तो हमें डोमेन लिखना है, डोमेन क्या होगा, डोमेन की डेफिनेशन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल values of x, set of all possible values of x for which fx is well defined and gives real value, and a set of all values of x for which fx is well defined and gives real values is called domain. समझ में आया क्या?
set of all possible values of x for which fx is well defined and gives real values is called जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको फंक्शन ऐसा गिवन है y equal to fx under root x minus 3 square root x minus 3, फंक्शन में डोमेन को डोमेन रेंज गिवन नहीं, ठीक है, डोमेन को डोमेन रेंज गिवन नहीं, केवल फंक्शन गिव डिफाइंड इस तरह से fx equal to under root of x, तो हमें डोमेन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, इसके फंक्शन डिफाइन हुए, स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू रियल कब, मतलब कंप्लीट स्क्वायर रूट रियल कब होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो पॉजिटिव हो या जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, डोमेन के लिए कंडीशन। क्योंकि अगर मैं एक्स माइनस थ्री की वैल्यू माइनस फाइव रखू तो अंडर रूट माइनस फाइव रियल नहीं, रियल वैल्यू भी देना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल, है ना, तो इंटरवल फॉर्म में लिखना सभी को आता है, x is greater than or equal to 3, ये डोमेन है, इंटरवल फॉर्म सभी को आता है, 3 से लेकर कहां तक गया, इनफाइनिटी, 3 से 3 या 3 से ग्रेटर, 3 टू इनफिनिटी, क्लोज्ड इंटरवल 3 टू इनफिनिटी। समझ में आया क्या, डोमेन सभी को समझ में आया, डोमेन फर्स्ट डेफिनेशन में y equal to fx में डोमेन क्या, ठीक है। अब एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बता पाएंगे, nx कौन बताएगा, nx वही x की उन सभी वैल्यू का सेट बताना है जिन पर फंक्शन डिफाइन हो और रियल वैल्यू एंड गिव्स रियल वैल्यू, y equals to fx equal to tan x, x की किन किन वैल्यूज पर tan x डिफाइन होता है और रियल वैल्यू किन पर नहीं देता, अच्छा आप बताओ, सभी रियल नंबर्स पर, कोई भी रियल नंबर दे दें tan x डिफाइन होगा, बस किन पर, 90 डिग्री पर, 270 डिग्री, तो उनको रेडियन में बोलो, 90 270, तो सारे सेट सारी वैल्यू बताना, 90 के सभी ऑड मल्टीपल, तो हम इसका डोमेन क्या लिख सकते, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज एक्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री दैट इज पाई बाय 2, ठीक है, दिख पा रहा है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, देखें डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बस कहां पर डिफाइन नहीं होता है, एक्स की किन वैल्यू पर tan x डिफाइन नहीं होता, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल, वो x हटा देता हूं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफरेंस x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू, ओके, डोमेन समझ में आया क्या, चलिए अब हम डोमेन के बाद किसकी बात करेंगे, रेंज की, चलिए ये कंप्लीट हो गया, सभी का नोट कर लिया है, ओके, हाँ इसमें रेंज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, है ना, एक्स की वैल्यू के सेट को डोमेन में डोमेन बोलते हैं और वाई की वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई वाई की वैल्यू का सेट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई विच ऑब्टेन्ड, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई विच ऑब्टेन्ड बाय putting
by putting the value of x, set of values of y which obtained by putting the value of x in value of x in domain of function. फिर से देखते सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y व्हिच ऑब्टेंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन fx वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, है ना, ऐसा भी लिख सकते. ठीक है, क्या लिखा हमने, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y. रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y व्हिच ऑब्टेंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन fx, fx में वैल्यू रखते जाएं fx की, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f. x कहां से लेना है, x को फंक्शन f के, है ना, जैसे मैं बोलता हूं fx इक्वल टू 3x minus 1, y equals to fx equal to 3x minus 1, और डोमेन प्रोवाइड कर दिया, देयर डोमेन, डोमेन मतलब x की वैल्यू कर सकते, इंटीजर्स 1 2, समझ में आया क्या, डोमेन प्रोवाइड कर दिया, डोमेन क्या है, 3 इंटीजर्स है 1 2 3, तो हमें इसकी रेंज निकालना है, तो रेंज ऑफ f निकाल लोगे, y की वैल्यू चाहिए, क्या आएगा, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x व्हिच ऑब्टेंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन fx, fx में x की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू 1 रखी, कितना आ गया 3, these are 9 minus 1, x की वैल्यू 1 रखी सबसे पहले, 3 मैंने 3 रख दी, तो 3 minus 1 2, 3 2 जा 6 minus 1 5, 3 3 जा 9 minus 1, सबसे पहले x की वैल्यू बन रही, 3 1 जा 3 माइनस 2, 2 सब्स्टिट्यूट करी, 2 3 जा 6 माइनस 1 5, 3 3 जा 9 माइनस 1, समझ में आ गई क्या रेंज, तो रेंज किस पे डिपेंड करता है, डोमेन पे, तो मैं फिर से लिख देता हूं, रेंज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू fx, इसकी वैल्यू का सेट होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सच दैट y इक्वल टू fx, और y की वैल्यू किससे निकलेगी, fx से, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f को df से डिनोट कर दें, डोमेन ऑफ f का मतलब df, df मींस डोमेन ऑफ फंक्शन, फ्रेंड समझ में आई क्या सभी को, ठीक है, अब ध्यान से देखें, जब भी फंक्शन इस फॉर्म में गिवन होगा y equals to fx, सीधा फंक्शन दे दूंगा, fx equal to x cube minus 3, fx equal to sin x, ठीक है, इस तरह से फंक्शन दिया, तो डोमेन और रेंज हम निकालेंगे, और कोडोमेन, कोडोमेन बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हम कौन सा फंक्शन होता है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन, तो कोडोमेन पहली बात तो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट है पूछा भी जाए तो बाय डिफॉल्ट कोडोमेन क्या लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल, समझ में आ गया क्या, है ना, y equal to fx अगर फंक्शन डिफाइन है तो डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, इस फॉर्म में फंक्शन कोई भी डिफाइन, डोमेन कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे, और कोडोमेन अंडरस्टूड है सेट ऑफ रियल नंबर्स, समझ में आया क्या, नोट करेंगे जल्दी,
हाँ देखेंगे सेकेंड डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन। सेकेंड में हमने डेफिनेशन फंक्शन की कैसे लिखी है, एफ ए इंटू बी वाई इक्वल टू एफ एक्स, डिफाइंड बाय वाई इक्वल टू एफ ए इंटू बी इतनी भी लिख सकते हैं और आगे डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइंड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स, राइट मैपिंग फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो फर्स्ट सेट है वो डोमेन है और सेकेंड सेट बी को डोमेन। फर्स्ट सेट ए डोमेन, सेकेंड सेट बी को डोमेन, अगर इस फॉर्म में दिया हमें नहीं सोचना है कि को डोमेन क्या होगा, जो गिवन है ए इंटू बी, फर्स्ट सेट ए पूरा डोमेन, सेकेंड सेट बी को डोमेन, ठीक है। अब रेंज की बात करें तो रेंज हमें निकालना पड़ेगी, तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेट के एलिमेंट इसमें रखेंगे, उससे सेकेंड सेट में जो इमेजेस आएंगी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की उनके सेट, तो रेंज हम किसको बोलेंगे, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन सेट बी, ठीक है, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन सेट, सेट ए के एलिमेंट्स की इमेजेस जो सेट बी में होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। राइट, समझ में आ गया क्या, है ना, जैसे ये सेट ए, ये सेट ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, तो डोमेन बिल्कुल नहीं सोचना है, पहला सेट ए डोमेन ए बी सी डी, को डोमेन बिल्कुल नहीं सोचना, सेकंड सेट बी पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। रेंज, रेंज उन एलिमेंट्स का सेट जिनकी प्री इमेज, ठीक है, पूरे पी क्यू आर एस टी यू पूरे नहीं आएंगे, कौन से आएंगे, जिनकी प्री इमेज फर्स्ट सेट ए में है, पी क्यू आर एस, है ना, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच हैव प्री इमेज इन सेट, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, विच हैव प्री इमेज इन सेट, एक ही बात है, है ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच हैव प्री इमेज इन सेट, जिनकी प्री इमेज है, जिन जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज उनके सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज। समझ में आया क्या, ठीक है, अब देखिए मैं कुछ फंक्शन से लिख रहा हूं, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन होंगे या नहीं होंगे, जैसे इस तरह से फंक्शन दिया सेट आर से सेट आर पर,
एक्स और वाई मतलब ये जो वाई इक्वल्स टू एक्स है ना, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर को फंक्शन डिफाइन है, मतलब डोमेन भी आर है रेंज भी आर है, ये गिविंग रेंज आर नहीं है, डोमेन आर है और ये को डोमेन आर, रेंज तो हम निकालेंगे ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताएं इट इज फंक्शन और नॉट, और भी एलिमेंट ले और भी लिखता हूं आर प्लस, हाँ इनमें कौन कौन से फंक्शन है और कौन कौन से फंक्शन नहीं। देखो फर्स्ट फंक्शन है कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सेकंड फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है सेकंड फंक्शन? देखो y की वैल्यू आप निकालोगे तो प्लस माइनस रूट एक्स आए। अब जैसे हमने x की वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में थे डोमेन में कोई भी वैल्यू दी 25 दी, 25 तो प्लस 5 भी आएगी माइनस 5 भी, x की एक वैल्यू पर y की दो दो वैल्यू आ रही है तो इट इज नॉट राइट। हाँ थर्ड बताएं, थर्ड क्यों फंक्शन नहीं? आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जो सेकेंड सेट है वो भी पॉजिटिव ही, तो नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसको ये लिखेंगे y equals to plus minus root x ठीक है, तो अपने को कोडोमेन ही हमारा क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव आएगी ठीक है, एक रूट एक्स और माइनस रूट एक्स वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है। समझ में आया ना, इट इज अ फंक्शन। रीजन क्या है, फंक्शन कहां से कहां पर नेगेटिव वैल्यू आएंगी ही, नेगेटिव वैल्यू आएंगी ही नहीं। अगर मैं यहां पर ये कर दू नाउ इट इज नॉट अ फंक्शन, चेंज कर दे नाउ इट इज नॉट अ फंक्शन, आर प्लस से आर कर दिया ये फंक्शन नहीं। समझ में आया क्या? लेकिन अगर r प्लस कर दूंगा तो फंक्शन है, नेगेटिव वैल्यू y के लिए नहीं डिफाइन ही नहीं ओके। फोर्थ वन, फोर्थ वन है फंक्शन नहीं बोल पाएंगे क्यों? फर्स्ट x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पर डिफाइन ही नहीं होगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव ले ली, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लूं मतलब माइनस फाइव ली, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव होता है क्या? उससे वाई रियल आएगा क्या? अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूं, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूं तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव नंबर नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्या? हाँ तो सेकेंड कहां बोला, सेकेंड कहां बोला फंक्शन, सेकेंड फंक्शन नहीं। थर्ड अगर आर प्लस से आर प्लस कर दूं तो फंक्शन हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर पर डिफाइन कर। एक मिनट में सेकेंड, यस सेकेंड को मैं आर प्लस, अब ठीक है, अब सेकेंड तो वैसे भी मना किया मैंने फंक्शन नहीं ठीक है, क्या क्लियर है सभी को? फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन नहीं है, तो सेकेंड तो पहले भी दो वैल्यू आ रही थी, पहले भी मना किया हुआ था फंक्शन नहीं, थर्ड भी फंक्शन नहीं है क्योंकि दो वैल्यू आ, फोर्थ फंक्शन नहीं है क्योंकि डोमेन
x की सभी रियल वैल्यू के लिए y रियल नहीं। समझ में आया क्या? और कोई डाउट किसी का तो बोल सकते हैं। कंप्लीट। किसी कोई डाउट तो बता सकते हैं। सेकेंड में सुनो, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, तो आप बोल रहे हैं कि ix की नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना, इसीलिए तो बोला फंक्शन नहीं। और दूसरा रीजन क्या है? यूनिक वैल्यू भी नहीं आए। अगर पॉजिटिव वैल्यू ले लूं मैं, x की वैल्यू पॉजिटिव ले लूं, तब भी फंक्शन नहीं। समझ में आया क्या? अगर मैं ऐसा ले लूं तब भी फंक्शन। ओके, चलिए अब हमने थर्ड डेफिनेशन क्या लिखी थी, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो अगर एफ फंक्शन है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, थर्ड लेट एफ बी ए फंक्शन, उन्होंने प्रोवाइड कर दिया फंक्शन, हमें चेक नहीं करना है दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, बोल दिया उन्होंने फंक्शन। फंक्शन है मतलब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है इसमें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, और फर्स्ट सेट ए और फर्स्ट सेट ए एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए has a unique element in second set. समझ में आया क्या? Then this ordered pair, then this set of ordered pair is a function. क्या दो condition है? Every element of first set A is the first element of any of the ordered pair. First condition, first set A के सारे element होना चाहिए इस set में. ठीक है? Second condition क्या है? No two ordered pairs of this set has first element, has same first element. Clear हुई क्या? ये दोनों point समझ में आए मैंने क्या बोले? पहले बता चुके हैं किन्हीं भी दो ordered pair का first element same नहीं होना चाहिए, पहली condition. दूसरी condition, first element, first set A के every element किसी ना किसी ordered pair का first element होना चाहिए. क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है? ओके, तो अब ये फंक्शन गिवन है हमें, तो डोमेन सोचना ही नहीं, डोमेन फर्स्ट सेट ए कंप्लीट डोमेन, सेकंड सेट बी को डोमेन, सेकंड सेट बी सोचना ही नहीं, फर्स्ट सेट ए डोमेन, सेकंड सेट बी. हाँ, रेंज क्या होगी? Set of elements of B such that A B belongs to. पूरा सेट B नहीं हो, सेट B के उन एलिमेंट्स का सेट जिनका फंक्शन F में प्री इमेज हो. समझ में आया क्या?
डोमेन को डोमेन में नहीं सोचना है, क्लियर? एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल बताए हैं, थर्ड हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, फर्स्ट सेट ए बी, सेकेंड सेट पी क्यू आर, एक ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने, एक फंक्शन, रिलेशन तो बहुत सारे डिफाइन हो सकते हैं, उनमें से एक फंक्शन डिफाइन किया ए पी बी क्यू, ए पी और बी क्यू, ठीक है, इट इज अ फंक्शन, डोमेन पूरा सेटिंग, कंप्लीट सेटिंग, ये भी जो कोडोमेन, कोडोमेन कंप्लीट सेट बी पी क्यू, रेंज, रेंज क्या होगा, पी और क्यू आर नहीं आएगा, समझ में आया क्या? ओके तो अब हमने सभी केसेस में देखा जो रेंज होती है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज हमेशा क्या होता है, इज अ सबसेट, सबसेट का सिंबल है कोडोमेन। इसको हम और इस तरीके से देखें, ये फर्स्ट सेट ए, ये सेकंड सेट बी, ये एक्स, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स, सेट ए डोमेन, सेट ए डोमेन, सेट बी को डोमेन, ये रेंज, सो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोड। ठीक है बेटा, अभी बात करेंगे, मैं चेक अभी पूरी पढ़ नहीं पाया, पहले ये कंप्लीट करें। अगर सेट ए में आप बोल रहे हैं कि अगर सेट ए में ओके आप बोल रहे हैं सेट ए में एन एलिमेंट है और बी में भी एन एलिमेंट है, तो एन क्रॉस एन ऑर्डर्ड पेयर होंगे फंक्शन में, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ डेफिनेशन की बात करें। फोर्थ डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन क्या, ग्राफिकल टेस्ट। देखिए हम मान लेते हैं, मानना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कुछ ग्राफ इक्वेशन तो दी नहीं है, ये वाई इक्वल टू, ये फंक्शन है क्या, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन है क्या ये ग्राफ, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सो इट इज अ फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन में इस एक्स एक्सिस पर देखें, एक्स एक्सिस पर हमने सपोज ये पॉइंट ए और इधर एक्स एक्सिस पर, अगर ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, इसके आगे डिफाइन नहीं है, यहां एक्स इक्वल टू ए से डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो, क्लोज इंटरवल ए, एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक की रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन। ओके, रेंज क्या होगी, रेंज मतलब y की वैल्यू, ये y स्केल पे ये y की वैल्यू, तो सपोज दिस पॉइंट इज c, यहां से लेकर मैक्सिमम वैल्यू यहां,
ना, ये वाई की वैल्यू सी है और ये वाई की वैल्यू डी, तो रेंज क्या होगी, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, वाई की वैल्यू बस है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हाँ, कोडोमेन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी बता देते हैं, कोडोमेन तो आर ही, क्योंकि हम सेट रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ते, ठीक है। पूरा सेट ऑफ रियल, बिल्कुल सही, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस तो आपको मालूम ही, अगर नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस सेट ए, सेट बी, सेट ए में एम एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू एक्स एन और सेट बी में एन एलिमेंट वाई वन वाई टू वाई एन, सेट ए में एम एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो एक मिनट इसको पी और क्यू कर दे क्योंकि एन से डिनोट किया है, पी कर देता। हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, नंबर ऑफ रिलेशंस, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू, टू टू द पावर एम एन लिखा मैंने, पी क्यू कर दिया तो टू टू द पावर पी, ठीक है। लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब हमें फंक्शंस बताने, तो देखें ध्यान से, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू, P एलिमेंट्स है Q एलिमेंट्स, मैं इसके इस एलिमेंट को कितने वे से रिलेट कर, इसके करेस्पॉन्डिंग कितने यूनिक एलिमेंट हो, Q इससे भी रिलेट कर सकता हूं, इससे भी रिलेट कर सकता हूं, इससे भी रिलेट, Q एलिमेंट हो, फिर ये सेकेंड एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग भी कितने एलिमेंट होंगे Q, थर्ड एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग भी Q और pth एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग भी Q, तो क्या आ जाएगा, pth एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग कितने तरह से फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, कितने वे से, क्यू वे, सेकेंड एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग भी क्यू वे इनटू पीएथ एलिमेंट, तो कितने टाइम्स हो रहा है, क्यू क्यू का मल्टीप्लाई हम कितने टाइम्स कर रहे हैं, पी टाइम्स, क्या जाएगा, क्यू टू दी पावर, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू, क्यू टू दी पावर, सेकेंड सेट में जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट टू दी पावर number of elements in first set, q to the power, okay, समझ में आया क्या सभी को, clear है ना। अब हमें types of functions पढ़ना है, types of functions पढ़ना है ना, लेकिन कल ही पढ़ पाएंगे हम, है ना, कल ही स्टार्ट कर पाएंगे। सेकेंड सेट, जो सेकेंड शीट थी, हाँ, आज का होमवर्क मॉड्यूल में से दूंगा मैं, बिगनर बॉक्स वन में से, है ना, आज का होमवर्क मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस दूंगा, बिगनर बॉक्स वन, बिगनर बॉक्स वन दूंगा, है ना, ठीक है बच्चों।
जस्ट मिनट, है ना, तो मॉड्यूल में से होमवर्क असाइन करूंगा, ग्रुप पर आप देख लीजिएगा होमवर्क।